हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। टुडे इन दिस सेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग यूपीएससी मेंस 2023 पेपर्स। एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री GS1। ओके, तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द ट्रेंड। ओके, तो इस बार क्या ट्रेंड हमें देखने को मिला है इन मेंस एग्जामिनेशन, जहां तक हिस्ट्री की हम बात करते हैं। उसके साथ साथ क्या लर्निंग्स हमें मिली है, क्या सीखने को मिला है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो वो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव होगा, व्हाट इज द लर्निंग। ऑलराइट, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ये आपको काफी कुछ सिखाते हैं, और इसीलिए एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच, उसको भी ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेशन आज चलने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द ट्रेंड। ओके, अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर GS1। एंड अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम दिस सेक्शन। बट इस साल, लेकिन इस साल यूपीएससी कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ओके, तो 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, 90 मार्क्स के क्वेश्चन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, वेदर इट इज एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, दिस इज आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 मार्कर, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से भी 15 मार्कर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक गलती हम लोग करते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री करके नहीं जाते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं करके जाते हैं, या काफी ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। तो ये चीज आपको आइडिया देगी कि कितना वेटेज आपको देना है वर्ल्ड हिस्ट्री पे एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पे। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, एंड जनरली यही ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 22, 40 मार्क्स, यहां पे 50 मार्क्स। ओके, तो जनरली दिस इज द ट्रेंड। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री अल्टरनेट ईयर यूपीएससी आपसे पूछती है। ओके, तो ये इस बार भी हम लोग देख सकते हैं, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। एंड फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड इनका सम कितना है, 90 मार्क्स। सो दिस इज द ट्रेंड। ऑलराइट, अब ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे हम क्या सीख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां पे एक चीज नई हमें देखने को मिली है, वो है लिंकेजेस। तो क्वेश्चन डायरेक्टली हिस्ट्री से नहीं पूछे गए हैं। ओके, आपको ज्योग्राफी की नॉलेज अप्लाई करनी होगी, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज अप्लाई करनी होगी। इट मींस आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये तरीका यूपीएससी आपको यहां पे सजेस्ट कर रही है। ओके, और इसीलिए हम कहते हैं कि एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी सब्जेक्ट, आपको उसको लिंक करना होगा दूसरे सब्जेक्ट से। वेदर यू आर रीडिंग पॉलिटी, वेदर यू आर रीडिंग हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से उनको रिलेट करना आना चाहिए। ओके, और दिस इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जो काफी स्टूडेंट मिस कर देते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज यूपीएससी आपसे चाहता है। ओके, पॉइंट नंबर टू, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि मेंस इज प्रिडिक्टेबल, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थीम्स रिपीट होती हैं। तो यहां पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आपको दिखेगी, और मैं आपको शो भी करूंगा
कि किस तरह से प्रीवियस से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरह से थीम्स यहां पे रिपीट होती हैं। ऑलराइट, एंड जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके सोर्सेज। देखिए आप क्वेश्चंस देखेंगे एंड एनसीईआरटी की नॉलेज से उन क्वेश्चंस को आप काफी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि फॉर हिस्ट्री एनसीईआरटीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, उनके लिए दिस इज द लर्निंग। ओके, एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट एनी कॉस्ट आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री लर्निंग्स, लिंकेजेस, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटीज। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द डिमांड और अगर कोई लिंकेज है विद प्रीवियस क्वेश्चंस वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इस बार टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको गो थ्रू करिए, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। तो जो चीज मैं आपसे कह रहा था लिंकेजेस, तो क्वेश्चन किसका है, हिस्ट्री का है, बट यहां पे ज्योग्राफी की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको उसको लिंक करना होगा विद ज्योग्राफी विद इकोनॉमी बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन में यू नीड टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड एंड उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है और ये काफी आसान सी अप्रोच है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दिस इज द कीवर्ड। ओके, तो एंशियंट इंडिया डेवलपमेंट, हम जानते हैं बहुत सारे डाइवर्स फीचर हमें देखने को मिलते हैं और अगर हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें, हिमालयाज, माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, माउंटेन पासेस आपको देखने को मिलते हैं, देन साउथ इंडिया, ओके, वो आपको देखने को मिलता है, कोस्टल एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, देन गैंगटिक वैली रिवर सिस्टम, हाँ, फर्टाइल एरिया आपको देखने को मिलता है। तो इन सब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आपको बताना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या हुई, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे एंड यहां पे व्हाट यू कैन राइट, आप मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और वो कौन कौन से है, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब वन बाय वन बता दीजिए कि ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं इन्होंने किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेन सिस्टम की बात करते हैं, व्हाट इज द एग्जाम्पल, हाँ, क्या है एग्जाम्पल, हिमालयस, ठीक है, तो हिमालयस क्या है, एक तरह की वॉल है ना, जो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। तो वही आप लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ हिमालयाज रिलेटिव आइसोलेशन हमें देखने को मिलता है, रिलेटिव आइसोलेशन, तो मंगोल्स अटैक नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हिमालयाज। ओके, वही अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो माउंटेन पासेस, खेबर पास, गोलन पास देखने को मिलता है एंड बिकॉज ऑफ दीज पासेस इन्वेजन हमें देखने को मिलता है। तो ग्रीक्स इंडिया में आते हैं, कौन आ रहा है, ग्रीक्स, पार्थियंस, है ना, शाकाज, इन सबकी एंट्री इंडिया में होती है एंड अपने साथ ये क्या लेके आते हैं, अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, और वही आपको लिखना है, जैसे कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, दिस इज द एग्जाम्पल।
ओके तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि किस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। ओके इसके साथ साथ जैसे जो पेनिनसुलर इंडिया है, आपको पता है कि यहां पे थिक फॉरेस्ट है, माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलती है, तो आराम से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। एंड जब कोई प्लेस आइसोलेशन में होता है तो वहां पे क्या होगा, यूनिक कल्चर डेवलप होगा और वही हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल्स आपको देने होंगे, संगम लिटरेचर इन सब के एग्जांपल्स आप दीजिए ना। ओके देन कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्टल एरियाज हैं वो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, है ना, पोर्ट्स वहां पे देखने को मिलते हैं। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ धोलावीरा। ओके तो धोलावीरा का एग्जांपल आप दे सकते हैं। ऑलराइट इसके अलावा गैंगटिक वैलीज, तो जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो काफी फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल एरिया होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छे से होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा तो लोग यहीं पे आके रहेंगे, तो यहाँ पे अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट आपको दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल महाजनपदाज। ओके तो इस तरह से इस क्वेश्चन की जो डिमांड है आप उसको जो है एड्रेस कर सकते हैं। ओके सिमिलरली जो म्यूजिक है, डांस है, इन सबको भी आप यहां पे लिख सकते हो। ओके इन सबको भी आप लिख सकते हो, जैसे कि खरोष्टी स्क्रिप्ट, ओके उसको भी आप यहां पे लिख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स जो आप यहां पे लिख सकते हैं। ऑलराइट देन कंक्लूड कैसे करोगे, हाँ कंक्लूड कैसे करोगे, बिकॉज देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में कंक्लूजन इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छे से लिखना होगा और अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो बताइए यहां पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो विद डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो दस दीज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लेड टू डाइवर्स फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस तरह से आप यहां पे कंक्लूड भी कर सकते हैं। ओके सो आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो जो आर एस शर्मा, एंशियंट इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी है, अगर इसको आप अच्छे से करोगे ना तो बताओ क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, दिक्कत होती है चूज करने में, काफी कुछ सोर्सेज हम पढ़ने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ओके यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज। ऑलराइट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर टू। सो दिस इज 10 मार्कर। ओके दिस इज 10 मार्कर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी, ओके महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। सो दो पर्सनलिटीज यहां पे दी गई हैं एंड क्या डिफरेंसेस थे उनकी अप्रोच में टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो भाई यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप केवल इन दो मुद्दों पे बात करें, फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज नेशनलिज्म। ओके ये चीज ध्यान रखना। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि यू हैव टू स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड यहां पे यूपीएससी आपसे केवल एजुकेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में पूछ रहा है, तो आपको डेविएट नहीं करना है। ऑलराइट तो यहां पे कौन सी दो पर्सनैलिटीज हैं, एक तो महात्मा गांधी, ओके एंड सेकेंड वन इज रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका एग्जांपल आपको यहां दिखेगा। देखिए दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये साफ साफ मेंशन किया गया है। ओके एंड अगर हम पीवाईक्यू देखेंगे तो आप देखिए इन 2016 देयर वॉज वन क्वेश्चन
सिमिलर क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, केवल सुभाष चंद्र बोस की जगह यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर कर दिया गया है। इन 2015 सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बीआर अंबेडकर। तो देखिए इससे क्या लर्निंग हमें मिलती है, यहां पे नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में आपको नोट्स बना लेने चाहिए कि उनकी क्या अप्रोच थी, उनकी क्या फिलोसॉफी थी, बिकॉज ये क्वेश्चन किसी और के बारे में भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे नोट्स मेकिंग जरूरी है। एंड देखिए जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, हो सकता है वो सफिशिएंट ना हो तो आप गूगल सर्च कीजिए और वहां से पता करिए कि क्या डिफरेंट अप्रोच है, क्या डिफरेंट फिलोसॉफी है। ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ UPSC। ऑलराइट, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। ओके, कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ऑलराइट, तो यहां पे बेसिकली महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके, दीज आर द टू फेमस पर्सनैलिटीज। पूछा क्या गया है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन डिफरेंसेस क्या हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू नेशनलिज्म डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये आपको अलग से बताना होगा। ओके, तो देखिए जब भी डिफरेंसेस वगैरह पूछे जाते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा टेबल बना सकते हो भाई। ठीक है, आप टेबल बनाइए। ओके, तो यहां पे लिखिए महात्मा गांधी, यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर, और क्या डिफरेंसेस है पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, साथ साथ यहां पे लिख दीजिए दिस इज प्रेजेंटेशन, उसके अलग से मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, देखिए दोनों ही फेमस प्रोमिनेंट पर्सनलिटीज हैं, काफी इमेंसली कंट्रीब्यूट किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन देयर अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन। ओके, तो देखिए गांधी जी के बारे में आपको पता है, उनका फोकस था किस पे, स्किल डेवलपमेंट पे, इनका फोकस था स्किल डेवलपमेंट। नई तालीम के बारे में सुना होगा ना आपने, नई तालीम, ये आप लिख सकते हैं। कंप्लीट चाइल्ड एजुकेशन की बात करते थे, कंप्लीट चाइल्ड एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ओके, इनका ऐसा मानना था कि नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो महात्मा गांधी में। मशीन को क्रिटिसाइज करते थे, आपको पता ही है। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो बेसिकली ये बात करते थे ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन, ये उस पर ज्यादा फोकस करते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको प्रमोट करने की बात करते थे। तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी इन द एजुकेशन। ओके, क्या डिफरेंसेस थे। ऑलराइट, अब जो सेकेंड पार्ट पूछा गया है, वो पूछा गया है नेशनलिज्म को लेके क्या डिफरेंस था। तो देखिए गांधी जी का ये मानना था कि जो नेशनलिज्म है ना, इट इज मेंट टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व सोसाइटी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर मानते थे दिस इज सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर एक तरह का थ्रेट है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस इन देयर अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू नेशनलिज्म। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन की डिमांड को आपको एड्रेस करना है। ओके, तो देखिए पूछा क्या गया है कि डिफरेंस क्या है। ओके, वो हमने बता दिया। अब जहां तक कंक्लूजन की बात है, तो वहां पे सबसे सही क्या रहेगा, आप ये बताइए कि सिमिलरिटीज क्या थी, कॉमन चीज क्या थी। हालांकि पूछा नहीं गया है, बट अगर ये भी लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो जैसे कि दोनों ही बात करते थे नॉन वायलेंस की, ये आप लिख सकते हैं नॉन वायलेंस। ठीक है,
टॉलरेंस की बात करते थे, इंडियन कल्चर काफी प्राउड फील करते थे, तो इस तरह से आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। एंड यहां पे हाँ, मैं मान सकता हूं कि महात्मा गांधी को लेके कंटेंट आपके पास होगा, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को लेके कंटेंट नहीं होगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज नोट्स मेकिंग। जब हमें पता है कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से अराउंड 10-15 जो पर्सनलिटीज हैं उनको आपको एडवांस में प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये लर्निंग है जो हमें मिलती है इस 2023 पेपर से। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, जो मैंने कहा था लिंकेजेस, ओके, अगेन ये उसका एग्जाम्पल है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड, बिकॉज काफी बच्चे होंगे जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में लिख के आ जाएंगे, बट उसमें मार्क्स कम मिलेंगे ना, बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड के लिए। ओके, तो कुछ वर्ल्ड के एग्जांपल्स आपको यहां पे देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इकोनॉमी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, सोसाइटी की नॉलेज आपको यहां पे होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड सिंपल सी है कि जो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसके सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुए, मींस सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हुआ एंड उसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हुआ, आपको केवल ये बताना है। देखिए, If you are able to understand different parts of a question, तो question को answer करना काफी आसान हो जाता है। Okay? Because these are two parts, इनकी heading बना दो and bullet point में आप answer लिख सकते हैं। Okay? चलिए, तो अब इस question की बात करते हैं। देखिए, introduce कैसे आप कर सकते हो? देखिए, railway का introduction एक तरह का revolution था। ओके, किस चीज के लिए? मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो इंट्रोडक्शन होता है, इसने सोसाइटी को किस तरह से इंपैक्ट किया, इकोनॉमी को कैसे किया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। देखिए, अगर रेलवे का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी ना, तो जो सोशल एविल्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके दूर होंगे, भले वो कास्ट सिस्टम की आप बात करिए, है ना, अनटचेबिलिटी की आप बात करिए, तो वो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की आप यहां पर बात कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ अगर हम इकोनॉमी पे इंपैक्ट की बात करें, तो सिंस अब गुड्स का मूवमेंट काफी फास्ट होगा, काफी चीप हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, ऑलराइट, तो इसका इंपैक्ट किस पे होगा? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पे होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो अर्बन सेंटर्स डेवलप होंगे, अर्बन फीचर्स आपको मिलेंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पे बढ़ने वाली हैं, तो ये सब चीजें आपको यहां पे लिखनी पड़ेंगी। ओके, आप एग्जांपल दे सकते हो जूट मिल्स का, स्टील इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दे सकते हो, बिकॉज अब काफी आराम से रॉ मटेरियल आपके पास रहेगा, अर्बन सेंटर्स डेवलप होंगे, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर का एग्जांपल दे सकते हो, बर्मिंगम का एग्जांपल दे सकते हो, तो दो तीन ग्लोबल एग्जांपल आपको देने होंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएंगे किस पे? सोसाइटी पे एंड इकोनॉमी पे। बट क्या कोई निगेटिव इंपैक्ट भी था क्या? बिल्कुल था। तो यही होता है वैल्यू एडिशन। तो अगर आप केवल पॉजिटिव पॉइंट लिख के आ रहे हैं,
और सोच रहे हैं कि मजा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, आपको निगेटिव पॉइंट भी यहां पे लिखना होगा। तो एक तो था एक्सप्लोइटेशन, आपको पता ही है एक्सप्लोइटेशन। ओके, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था हैंडीक्राफ्ट, वो खत्म हो जाएंगे, वो पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। तो ये सब पॉइंट आपको लिखने होंगे यहां पे। आप एग्जांपल भी दे सकते हो, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ओके सोसाइटी, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो। इंटर मिक्सिंग ऑफ पीपल आइडियाज, वो सब आप यहां पे बता सकते हो। ओके, सो दिस इज दिस क्वेश्चन। ओके, इसमें थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ऑलराइट। एंड यहां पे इंडिया के बारे में नहीं पूछा, ये वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा लोगों को परेशान करेगा। बट अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, तो वहां से काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, इसीलिए देखिए बेसिक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ओके, एंड उसकी एप्लीकेशन यहां पे हमें देखने को मिल रही है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम वैदिक सोसाइटी, ऑलराइट। क्या क्वेश्चन है देखो, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। ओके, मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, ऑलराइट। फिर क्या पूछा है, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो अगेन आपको दिमाग लगाना है। ओके, तो कौन सा फीचर है क्या आज भी देखने को मिलता है क्या? तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भाई इस तरह से पढ़ाई करनी है। जो लोग स्ट्रगल करते हैं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दिस इज द डिमांड। तो एनालाइज आपको करना है। ओके, आपको हर सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है। ओके, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड इस पे फोकस करना है। देखिए कि ये आज भी होता है क्या, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें, देखिए ये 2014 में क्वेश्चन आया था, व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अवर हिस्ट्री, दिस इज द थीम। उसी पर तो क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन देखो, व्हाट मेक्स इंडिया इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर। तो हजारों साल पहले जो हमारी जो हमारी ट्रेडिशंस थी, जो हमारा कल्चर था, आज भी हम उसको सस्टेन किए हुए हैं। ये क्वेश्चन सोसाइटी में पूछा गया था। ओके, तो देखिए उसी थीम पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसीलिए पिछले 10 साल के, कम से कम 10 साल के मेंस के क्वेश्चन एंड फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने होंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। ओके, तो वही मैंने कहा था कि पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ओके, कि किस तरह से कल्चर वगैरह को हम सस्टेन किए हुए हैं। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन की अप्रोच की बात करते हैं कि क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे। देखिए साफ साफ दिस इज अबाउट वैदिक सोसाइटी, तो आपको पता है कि 1500 BC to 600 BC, this is the time period, Rig Vedic society, then later Vedic period, तो इससे आप introduce कर सकते हैं। okay, तो this will be your introduction, okay, then आपको Vedic society के features बताने हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, and उसके बाद features of religion आपको बताने होंगे, एंड फीचर्स स्टिल प्रिवेलिंग। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप टेबल बना दो। ओके, फीचर्स स्टिल प्रेजेंट,
इस तरह से आप यहां पे प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ओके, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ऑलराइट, अब देखो फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी, एक तो वुमेन की बात होगी हमेशा, तो शुरू में तो काफी अच्छी पोजीशन थी, है ना, आप स्कूल जा सकते हो, असेंबली में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये जो पोजीशन थी ये डिग्रेड होती है और इसको आप प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर सकते हो, आज भी ऐसा होता है, ठीक है। उस टाइम पर स्वयंवर, है ना, ये आपको देखने को मिलता था, याद है द्रौपदी वाला, हाँ, तो वही है, आज भी जो गर्ल्स हैं वो अपना हस्बैंड चुन सकती हैं, ओके, तो इस तरह से आप एग्जांपल देके बता सकते हो कि स्टिल प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। इसके अलावा सोसाइटी में वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी, कास्ट सिस्टम आज भी देखने को मिलता है, अनटचेबिलिटी, वो याद है दासास दस्यूज, वही चीज हो गई अनटचेबिलिटी, ऑलराइट, इसकी बात आप कर सकते हैं। देन सभा समिति, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स आज भी देखने को मिलते हैं भाई, है ना, एग्जांपल दीजिए ना, तो ये सब क्या होगा, दीज आर फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी, ओके। कंटेंट पूरा का पूरा आपको मिलेगा आरएस शर्मा में, ओके तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बता रहे हैं कि आरएस शर्मा कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, कितनी इंपॉर्टेंट है। देन जो सेकंड डिमांड है वो क्या है, रिलीजन, ओके, तो इस पे कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे आपको। तो ये जो वैदिक सोसाइटी थी, है ना, तो इसमें मल्टीपल गॉड्स को आप वर्शिप करते थे, नेचर को आप वर्शिप करते थे, ओके, तो नेचर वर्शिप आज भी होता है ना भाई, हाँ, नेचर वर्शिप आज भी देखने को मिलता है, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं ना भाई, वही चीज तो यहां लिखना है आपको, नेचर वर्शिप, ओके। देन आप अर्थ की पूजा करते थे, ठीक है, आप एयर की पूजा करोगे, ठीक है, आप अग्नि की पूजा करोगे, तो वही चीजें हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उस समय सेक्रीफाइजेस होते थे, आज भी होते हैं, यज्ञ हवन वगैरह किए जाते थे, आज भी होते हैं, ओरल ट्रेडिशन, है ना, वैदिक चैंटिंग आज भी होती है, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे लिखनी पड़ेंगी, ओके, वो सारी चीजें आपको यहां पे बतानी है, एंड दिस इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आसान क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन आसानी आते हैं, द ओनली थिंग इज जो होमवर्क है ना, वो होमवर्क आपको अच्छे से करना है, एंड दिस इज द होमवर्क, एंड दिस इज द होमवर्क, ओके। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट यहां पे कर सकते हो, ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्वेश्चन वाइज कौन सा क्वेश्चन आपको आसान लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा, ओके, बिकॉज अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन तो काफी इजी क्वेश्चन है ना, इजी है ना, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, मीडियम, बिकॉज यहां पे वर्ल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी आप मान सकते हैं, ओके। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी अप्रोच के बारे में, तो फिर आप इस क्वेश्चन की डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे, ओके। इसके बाद देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये काफी आसान क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ओके, ये इजी क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ये काफी सब्जेक्टिव होता है, ओके, तो अगर आपने सोर्सेज अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी, और अगर नहीं किए हैं तो आसान क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
वॉट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ओके इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। अब एक जमाना था जब हम लोग मिडिवल छोड़ के जाते थे कि यार कुछ तो आता नहीं है, छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। बट देखिए फर्क तो पड़ता है ना, तो छोड़ोगे क्या? नहीं, छोड़ना नहीं है। हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी? अगेन देखिए आपको लिंकेज करने पड़ेंगे और इसका पूरा मटेरियल एनसीईआरटी में मिलता है ना, बताओ मिलता है ना, एकदम मिलता है। तो जो सतीश चंद्रा एनसीईआरटी है भाई, वो आपको करनी होगी। सतीश चंद्रा एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा, बिकॉज वहां पे काफी अच्छे से बताया गया है पीरियड वाइज क्या नई चीज होती है और उसका क्या इंपैक्ट होता है इंडियन सोसाइटी पे। ओके अब देखो ये क्वेश्चन था सल्तनत पीरियड को लेके एंड क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें, देखिए हाउ विल यू एक्सप्लेन मिडिवल इंडियन टेंपल स्कल्पचर्स दैट रिप्रेजेंट्स द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? तो दिस इज द कीवर्ड। ओके सेकेंड, पर्शियन लिटररी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया। तो बेसिकली जो डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना होगा बिकॉज द फोकस इज ऑन कल्चरल हेरिटेज। ओके और इसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ओके तो अगर इस क्वेश्चन की डिमांड की बात करें तो सबसे पहले तो आपको सल्तनत पीरियड पता होना चाहिए। ओके कब का है? 80 ये 320 ईयर्स का पीरियड है भाई, है ना, और इसमें टोटल 5 डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? मार्केट सेला, है ना, मार्केट SL, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ओके तो ममलूक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक्स थे, फिर सैयद आए, फिर लोदी डायनेस्टी। तो इन सबके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात यहां पे हो रही है। ओके तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मिलता है एनसीईआरटी में। ओके तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में। तो मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट है, बताओ। तो ये जो टाइम पीरियड है, डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, है ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था अर्घट्टा पे, ये क्या है? पर्शियन व्हील, ठीक है, इरिगेशन में यूज होगा। अगर अच्छे से इरिगेशन होगा तो प्रोडक्शन अच्छे से होगा, है ना, तो वो चीज आप यहां पे लिख सकते हैं पर्शियन व्हील, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। टेक्सटाइल की अगर बात करें तो स्पिनिंग व्हील इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखिए इनका इंपैक्ट क्या हुआ सोसाइटी पे, पैसा आपके पास आएगा, पैसा आएगा तो ग्रोथ होगी, है ना, अर्बनाइजेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होगी, एम्प्लॉयमेंट आपको मिलने वाला है, वो सब चीजें आप यहां पे लिखोगे। थर्ड अगर मिलिट्री की बात करें तो गन पाउडर, फायर आर्म्स, कैनन्स, ये आप लिख सकते हो। तो इस वजह से आप आराम से फाइटिंग पे जा सकते हो, है ना, कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है। और क्या लिखोगे भाई? प्रिंटिंग, प्रिंटिंग होगी तो रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगी, तो हमें पता है ना उस टाइम के बारे में बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग देखने को मिलती है।
शिप बिल्डिंग आप लिख सकते हो, ओके okay, तो इस तरह से जो डिफरेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, मेजरमेंट सिस्टम आप लिख सकते हो, आज भी यूज होता है, ओके okay? ये सब आपको लिखने होंगे इन दिस क्वेश्चन, ओके इन दिस क्वेश्चन। कंक्लूड कैसे करोगे भाई, कंक्लूड कैसे करोगे? तो इसके बाद जो बाकी एम्प्रेस आए है ना, उनको तो फाउंडेशन मिल गया ना, बस यही आपका कंक्लूजन होगा कि दिस इंस्पायर्ड फ्यूचर जनरेशन है ना, दिस इंस्पायर्ड फ्यूचर एम्प्रेस, फॉर एग्जांपल मुगल्स। अच्छा एक चीज और याद आई, आर्किटेक्चर तो बताया ही नहीं हमने, हाँ तो डोम हो गया, आर्चेज हो गया, इससे क्या हुआ, टूरिज्म प्रमोशन है ना, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। तो काफी कुछ है लिखने को, एंड दिस इज 15 मार्कर, ओके तो काफी कुछ कंटेंट हमारे पास है। तो अगर हम ये देखें कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आसान है, मॉडरेट है, कैसा है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ना, प्रोवाइडेड आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, ठीक है, तो क्वेश्चन तो काफी आसान है। ऑलराइट, सो दिस इज सल्तनत पीरियड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइबल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है फॉर दिस एग्जामिनेशन। देखिए सोसाइटी में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्राइबल्स को लेके, ओके तो इसको तो ना अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, तो इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज, ये तो थीम है ना इंपॉर्टेंट, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन, तो स्पेक्ट्रम से आराम से आप इसको एड्रेस कर सकते हो, काफी डिटेल में, काफी आसान ये क्वेश्चन है। बट देखिए पीवाईक्यू आप देखिए, इससे आपको थीम पता चलेगी, ओके इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। आप देखिए सडन स्पर्ट इन फेमाइंस, ठीक है, वेरियस फैसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, देन द 1857 अपराइजिंग वॉज द कल्मिनेशन ऑफ रिकरेंट बिग एंड स्मॉल इवेंट्स, ये क्या था, ट्राइबल रिवोल्ट्स, उसी पर तो क्वेश्चन है, ओके ये आया था 2019 में। देन एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिशनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड रूरल इकोनॉमी, तो बस इंपैक्ट किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दे रहे हैं, तो यहां पे ट्रेवल से पूछ लिया गया है, ओके तो नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, एंड आपको थीम वाइज नोट्स बनाने चाहिए, ये आप समझ पा रहे होंगे, ओके तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम से इसे आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं, तो इंट्रोड्यूस कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है ना, कि ब्रिटिश सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी लेड टू द ऑपरेशन ऑफ ट्राइबल्स, दिस कैन बी योर इंट्रोडक्शन। देन अफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल्स, भाई ऐसा हुआ क्या था भाई, रेलवे आपको इंट्रोड्यूस करनी है, यूनिट टिम्बर लकड़ी आपको चाहिए, अब लकड़ी कहां मिलेगी, जंगलों में मिलेगी, और जंगल किसके हैं, ट्राइबल्स के हैं, तो झगड़े तो होंगे ना, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, तो इन्होंने क्या किया, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उस पे कर्ब्स लगा दिए, तो इनको तो बुरा लगेगा ना भाई, ट्राइबल्स को लगेगा ना। इसके अलावा एक्सप्लोइटेशन बाय हूम, ट्रेडर्स, पुलिस, मनी लेंडर्स, और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो,
दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट होगा, आपके राइट्स आपसे छीने जाएंगे. ओके, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो. देन मिशनरी एक्टिविटीज, सो यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, उनके कल्चर पे आप जो है असर छोड़ना चाह रहे हो, मिशनरी एक्टिविटी. ओके, उनके कल्चर को आप इंपैक्ट करना चाह रहे हैं, तो लोग परेशान तो होंगे ना, और उसका इंपैक्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, रिवोल्ट होगा भाई. तो एग्जाम्पल दे दो, बहुत सारे रिवोल्ट्स हैं, लाइक संथल, मुंडा, रामोसी, है ना, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. ओके, तो बहुत सारी रिवोल्ट्स हैं, स्पेक्ट्रम में दी हुई हैं, उनको लिख दीजिए. ओके, देन कंक्लूड कैसे करोगे, एक क्वेश्चन हमने अभी देखा था ना, जस्ट ए मिनट, ये देखिए, द 1857 अपराइजिंग वॉज कल्बिनेशन ऑफ रिकरिंग बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलन, दिस इज द कंक्लूजन. ओके, तो यही तो था वो, तो अल्टीमेटली इट लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857, दिस कैन बी योर कंक्लूजन. ओके, सो ये काफी आसान क्वेश्चन है ना, वेरी इजी क्वेश्चन. अब देखो एक और चीज है, प्रीलिम्स के बाद कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि जो GS1, GS2 के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत मत पढ़िए, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम को मत पढ़िए, आप खुद देखिए पढ़ना जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है. ओके, बिकॉज अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपको याद नहीं आएंगी, हालांकि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, बट रिविजन भी तो जरूरी है ना, बिना रिविजन के कैसे मार्क्स मिलेंगे. ओके, तो जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है ना उनको आफ्टर प्रीलिम्स भी आपको रिवाइज करना है, बिकॉज ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने हैं. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, काफी आसान क्वेश्चन है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, एंड दिस इज 15 मार्कर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. तो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें बेसिकली इकोनॉमिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे. तो जो फर्स्ट लर्निंग थी लिंकेजेस, उसका ये एग्जांपल है. देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s, पहले हम फूड इंपोर्ट करते थे बट अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई, हाँ इन 50-60 सालों में ऐसा क्या हुआ, वो आपको बताना है. दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. वैसे भी ये चीजें कवर होती इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो अगर वहां पढ़ा होगा तब भी आप यहां पे आराम से आंसर कर सकते हो. देखिए ऐसा ये क्वेश्चन आया था 2017 में, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया एंड हाउ दीज रिवॉल्यूशंस हैव हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी. तो सेम आंसर होगा, ठीक है, क्या रिफॉर्म्स लाए गए, क्या रिवॉल्यूशन हुई. तो देखिए बस क्वेश्चन की वर्डिंग्स चेंज कर दी, बाकी थीम तो सेम ही है. इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना, उनको एनालाइज करना, थोड़ा दिमाग लगाना और नोट्स बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए इस क्वेश्चन की डिमांड की बात करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे, देन रीजंस बताओगे, देन कंक्लूड करोगे, है ना, ये तो समझ ही पा रहे होंगे. क्या लिखोगे यहां पे, भाई ये जो चीज हुआ, नेट फूड इंपोर्टर से आप एक्सपोर्टर बन गए, क्यों, बिकॉज ऑफ सेवरल एग्रीकल्चरल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दिस कैन बी योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके,
तो बताओ भाई क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। अब देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है बिकॉज सभी को पता होता है ना, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की आप बात कर सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाट एल्स, और क्या लिख सकते हो, पैसा भी तो चाहिए ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ फार्मर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ फार्मर्स कैसे हुआ, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, हाँ हुआ ना, कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये सब एग्जांपल्स आप दे सकते हो, ठीक है, स्कीम्स वगैरह बता दो, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इसके साथ साथ काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज लाइक रोड्स वगैरह बनाए गए, डैम्स वगैरह बनाए गए, इनके एग्जांपल्स आपको देने होंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरह से आपको एग्जांपल्स देने होंगे। और क्या हुआ, और क्या चाहिए भाई, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पहले जो हमारा फोकस था ग्रेन्स पे था ना, वीट पे, राइस पे, बट अब हर चीज पे है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये आपको लिखना होगा। व्हाट एल्स, बिना टेक्नोलॉजी के कैसे काम चलेगा, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च वगैरह की बात कर सकते हो, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ आईसीएआर, किस तरह से वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप्स वगैरह, इस तरह के एग्जांपल्स आप यहां पे दे सकते हो, ओके, इस तरह के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, तो काफी कुछ है यहां पे लिखने को, ओके, काफी कुछ आप लिख सकते हैं। देन कंक्लूजन कैसे करोगे भाई, तो उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने एक्शन ले लिया है ना, आज के टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ा थ्रेट है क्लाइमेट चेंज, तो एक और रिवॉल्यूशन चाहिए ना, बस उसी से आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हो कि बेसिकली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की जरूरत है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर, और इसी डायरेक्शन में हमें स्टेप्स लेने चाहिए, ओके, इसी डायरेक्शन में हमें स्टेप्स लेने चाहिए। सो दिस इज द सेवन क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है ना, बस यही सेवन क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके, जो हमने डिस्कस कर लिए। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पेपर आसान ही था, हालांकि एक दो क्वेश्चन थोड़े से आपको परेशान करेंगे, बट अगर आपने होमवर्क पूरा किया है ना, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस से क्वेश्चंस को एनालाइज करना, अपने नोट्स बनाना एंड लिंकेजेस करना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है, उनको इंटीग्रेट करके आपको पढ़ना है, एंड जो एनसीईआरटीज हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां तक हिस्ट्री की बात है, ओल्ड एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज, दोनों पे ही आपका फोकस होना चाहिए, ओके। अब देखिए, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद अस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू परचेज अवर कोर्सेज, काफी कुछ कोर्सेज हम लोग रन करते हैं, सो दिस इज द पोर्टल जहां पे आप विजिट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, ओके, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। एंड ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल प्रेपाइस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी ये जितनी भी बारीकियां हैं एग्जाम की उसको जान सकें, ओके। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस सेशन एंड आई विश यू गुड लक। सो दिस इज हिस्ट्री, और इसी तरह से बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वन बाय वन हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।